गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। सो 9 क्लास
जैसे इसी तरह सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। सेम है ग्राफ, एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ हमेशा कैसा होना चाहिए, एक सीधी रेखा होगा। एक सेकेंड क्वेश्चन पे बात करें, समझ सेकेंड क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, समझ जरा, आपसे ये कह रहा है क्या, एक समीकरण, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उससे समीकरण बनाना है, उसके बाद में ग्राफ
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किराए किसी भी एक शहर में एक टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपए है और उसके बाद में नेक आगे जो क्रमागत दूरी होगी उनका पर किलोमीटर चार्ज 5 रुपए है। तो किराया अगर कुल दूरी को हम एक्स किलोमीटर माने और कुल किराए को वाई किलोमीटर माने, वाई रुपए माने, तो देखें इस इंफॉर्मेशन से समीकरण बनाइए और किराए और उसके बाद से किराए। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी है, माना कुल दूरी क्या मानेगा एक्स और कुल किराया क्या माना था वाई। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बेटा कोई किराया कितना दे रहे हैं वाई, वाई बराबर पहले किलोमीटर का चार्ज कितना है 8 रुपए, उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर का चार्ज कितना है 5 रुपए, तो 1 किलोमीटर का चार्ज को हमने दे दिया। तो दूरी कितनी थी एक्स किलोमीटर, तो दूरी बची कितनी है 1 किलोमीटर, दूसरा तो पे कर चुके हैं 8 रुपए में, अब बचा कितना एक्स माइनस वन। अब जैसे इसका मतलब एक्स माइनस वन किलोमीटर की दूरी का चार्ज कितना, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 5, तो एक्स माइनस वन कितना होगा 5 का गुणा करते हैं। बोलते 1 पेन 10 रुपए का है, बोलेंगे 10 पेन कितने के होंगे तो क्या करेंगे दोनों का गुणा, तो इसी तरह 1 किलोमीटर का चार्ज का 5 रुपए है तो x पर 1 किलोमीटर का चार्ज। अब इसको से और ये पूरा किराया पे किया और टोटल किराया था कितना y, ये किसके बराबर होना चाहिए y बराबर कितना 1 + 5x - 1, y का मान क्या आ गया 5 समीकरण नंबर। अब आप इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं, आप x के मान के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ये x का मान क्या है तो y का मान कितना x बराबर 0 तो y का मान 5 × 0 + 3, y का मान क्या है x का मान 1, y का मान 5 × 1 + 3, y का मान कितना आ गया 5, ये आ गया 3, x का मान क्या रखा 2, y का मान 5 × 2 + 3, y का मान 10 + 3 कितना हो गया 11, ये क्या हो गया 2, और ये आ गया। अब इसके ग्राफ हमें प्रदर्शित करना है तो देखिए जरा, जब ज्यादा मान पड़े हो तो हमें क्या मानना है, एक कॉलम का मान आप क्या मान लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे बढ़ता जाएगा 15, 8, 10, 12, 14 ऐसे, इसमें भी इस तरह होगा, एक कॉलम को तो माना 2, 4, 6, 8, 10, 12 पहला पूरे x पे 0, y पे 3 कितना आएगा 2, 4 के बीच में, पहला पूरे x पे 1, 1 जो रेखीय x पे 1 वो भी कितना है 8 लिया, x पे 2 y पे कितना 13, 13 कितना आएगा 12 और 14 के बीच में। अब तुम दोनों तीनों को बेटा डिवाइड करेंगे तो एक चीज ये निकाल लो, प्रॉब्लम समझ गए, ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।